وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون صلوات फिर भी मिलके सारे बाबा से बुलंद नारे सलावत अज़ान मोहतरम तफसीर सूरह नहल या मफाहीम सूरह नहल के उनवान से गुफ्तगू मुसलसल आपकी खिदमत में जारी और सारी है और जहाँ से सूरह का आगाज़ हुआ वो मौका है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अता अम्रुल्लाह फला तस्ताजिलू कि अल्लाह का अमर आ गया और अब जल्दबाजी ना करो और जल्दी ना मचाओ और जिस तरह से आपकी खिदमत में वो अर्ज़ किया गया था कि रसूल बार बार बारहा उन अफराद को तंबीह करते रहे और डराते रहे आखिरत से लेकिन इन अफराद ने रसूल की बातों पर कान न धरा और रसूल की मुखालिफत करते रहे और रसूल की नाऊज़ु बिल्लाह तरदीद करते रहे तब जाकर यह आयत नाज़िल हुई। अब जैसा कि आपने देखा कि जहाँ जहाँ पर परवरदिगार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाले अफराद आगे आते हैं वहाँ पर परवरदिगार आलम इंटरवीन करता है दरमियान में आता है और आने के बाद उन्हें रोकता है और उनकी तंबीह करता है और उनकी तादीब करता है और जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई काम होता है यानी जब परवरदिगार आलम के खिलाफ कोई बात होती है रसूल आगे बढ़ते हैं
और जब रसूल अकरम के खिलाफ कोई बात होती है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि अल्लाह की पुष्ट पनाही में या अल्लाह ताला की किसी बात को रद्द करने वालों के लिए रसूल आगे बढ़कर उनको जवाब देते हैं, और जब कोई रसूल के खिलाफ कोई बात करता है तो सरकार अमीर कायनात आगे जवाब देते हैं। तो अब अगर कोई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करेगा तो ये सवाल बताइए कि इसका जवाब क्या है, कि कौन आएगा आगे और उसको खामोश करवाएगा। जवाब यह है कि जब परवरदिगार आलम के खिलाफ कोई बात होती है तो रसूल आगे बढ़ते हैं, जब रसूल के खिलाफ कोई बात होती है तो अली आगे बढ़ते हैं, और जब अली के खिलाफ बात होगी तो रसूल भी आगे बढ़कर उसे जवाब देंगे, परवरदिगार आलम भी उसकी तादीब करेगा। और यही वजह है कि जहां रसूल की नबूवत का इनकार करने वाले अफराद नजर आए, वहां पर बहुत कम ऐसा नजर आया है, ना होने के बराबर है, कि फौरन से परवरदिगार आलम ने उसी वक्त उसका फैसला कर दिया हो। ऐसा नहीं है कि फौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाले शख्स का किसी ने परवरदिगार आलम ने फौरन फैसला कर दिया हो, लेकिन मौलाए कायनात अलैहि सलाम एक शख्स रसूल अकरम के खिलाफ रसूल को अजियत पहुंचा रहा था, रसूल के खिलाफ बात कर रहा था और रसूल को ईजा पहुंचाना चाहता था, मौलाए कायनात अलैहि सलाम ने फौरन आगे बढ़कर, अभी कमसनी का आलम है और खजूर की गुठलियों के जरिए से उसको तौबीख करना शुरू कर दी। यानी वो अली के जो रसूल की मुखालिफत को जर्रा बराबर बर्दाश्त न करे तो फिर परवरदिगार आलम ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उस अली की मुखालिफत कोई करता रहे और परवरदिगार आलम खामोश रहे। यही वजह थी कि जैसे ही अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम की मुखालिफत गदीर खुम के मैदान में हुई है तो फौरन से आसमान से एक पत्थर नाजिल हुआ और उस पत्थर ने नाजिल होके हारिस इब्न नौमान फेरी को दो टुकड़ों के अंदर मार दिया था। ठीक है, तो ये इंतजाम है परवरदिगार आलम का। और फिर अल्लाह ने अपनी तख्लीक का जिक्र फरमाया, वो आपकी खिदमत में अर्ज किया गया, परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया कि जिनमें अनआम का जिक्र है, खैल अवल बिगाल अवल हमीर का जिक्र है, और कल जो आपकी खिदमत में बात पेश की गई थी, अर्ज की गई थी, वो ये कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना खुदा ना बनाओ। इसलिए कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना खुदा बनाते वो एक मक्खी भी खल करने की हैसियत नहीं रखते, और तो और परवरदिगार आलम ने उन्हें बिल्कुल अपने हदफ और मकसद तक पहुँचा दिया, अरे आखिरी मरहले तक, उस जगह तक पहुंचा दिया कि जिसके बाद इतमाम हुज्जत हो गए, खत्म हो गए। बाद क्या, उसके बाद ये कहा कि अगर कोई मक्खी उनसे कोई चीज चुरा के ले जाए, छीन के ले जाए, तो वो उसे वापस लेने की भी औकात नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते। अब जो आज हमने आपकी खिदमत में आयत को पेश करना है वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकाल लजीना अशरकू लौ शा अल्लाह मा अबतना मिन दूनिही मिन शय। अब जो ये शिर्क करने वाले लोग हैं ना, तो शिर्क भी कर रहे हैं, ऊपर से अल्लाह ही को अपने शिर्क का सबब ठहरा रहे और ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता, अगर परवरदिगारी आलम ये चाहता तो हम सबको इस बात पे लगा देता कि हम उसी की इबादत करते। ये तो अल्लाह ने चाहा है, अलैकुम अस्सलाम, अगर ये चूंकि अल्लाह ने नाउजुबिल्ला में जालिक चाहा है तो हम उसको छोड़कर किसी और की इबादत कर रहे हैं, यानी कि अकीदे जबर। अकीदे जबर क्या कहता है कि भाई जो इस कायनात में हो रहा है वो अल्लाह कर रहा है और जो नहीं हो रहा है वो अल्लाह ने नहीं करा है। अगर किसी का कत्ल हो रहा है तो कत्ल करने वाला जो कातिल है उसका गुनाह नहीं है, ये अल्लाह का काम है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जो अकीदे जबर के कायल लोग हैं वो यही कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमने नहीं किया कुछ, अच्छा अल्लाह ने किया, तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बहलोल का बड़ा अच्छा जवाब था इस बारे में कि जब अबू जनाब अबू हनीफा उनको पत्थर मार के जो भागा है, बट्टी का ढेला मार के भागा है, तो यही तो कह रहा था कि कहा ये काम मैंने थोड़ी किया, ये तो अल्लाह ने किया है। उससे पहले की जो दो दलीलें वो आप सब जानते हैं, बात को तकरार करना मकसूद नहीं है। तो उसके अंदर जब ये कहा कि बहलोल ने मारा मुझे, बहलोल ने मारा, भाई बहलोल ने थोड़ी मारा, आप थोड़ी देर पहले तो अपने दर्श के अंदर यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप, यही तो कह रहे थे कि जो काम करता है अल्लाह करता है और जो नहीं होता है वो अल्लाह की मर्जी से नहीं होता है। अल्लाह की मर्जी से नहीं होता ये एक और बात है, और जमीन पे लोगों को इख्तियार है या नहीं है वो और बात है।
यही वजह है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यजीद जैसा शख्स ये कह रहा है दरबार में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, देखा अल्लाह ने तुम्हें कैसे रुसवा किया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वही अकीदा जबर है कि जो वहां तक पहुंच रहा है। और बीबी ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें रुसवा नहीं किया, बल्कि कुरान करीम की आयत को पढ़ के सुनाया बीबी ने, जब ये फरमाया कि मा रायना हु इल्ला जमीला, हमने अल्लाह की बारगाह से अल्लाह की जात से सिवाय अच्छाई और नेकी और जमाल और खूबसूरती के और कुछ नहीं पाया। उसके बाद बीबी ने फरमाया कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन, हमने उन्हें तो फकत व फकत मोहलत दे रखी है, हम उन्हें जुल्म करने के लिए मोहलत दे देते हैं, तो फिर जब वो खुद जुल्म करते हैं तो उनके नामे आमाल में और ज्यादा अजाब जमा हो जाता है। यानी कि गोया ये समझ लीजिए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले जो फिरौन बच्चों को ज़िबा कर रहा है, तो वो जो बच्चों को ज़िबा कर रहा है, जो बच्चा पैदा होता है उसको ज़िबा कर दिया जाता है, जो लड़का पैदा होता है उसको ज़िबा कर दिया जाता है, तो क्या परवरदिगार आलम की रहमत को जोश नहीं आया? क्या अल्लाह ताला को गजब नहीं आया? क्या परवरदिगार आलम गजबनाक नहीं हुआ? क्या उसने अजाब, क्यों उसका आसमान फट ना गया, जमीन उन लोगों को खा ना गई कि जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को इस तरह से कत्ल कर दिया, 60,000 बच्चे, ये कोई छोटी तादाद नहीं है, कम तादाद नहीं है। तो सवाल का जब जवाब दिया गया तो उलमाए कराम ने यही कहा कि जवाब क्या है इसका, फिर इसका जवाब यह है कि ये जो ऊपर उड़ रहा था ना, ये जो ऊंचा जा रहा था और इसको कोई रोकने वाला नहीं था, तो परवरदिगार आलम ने इसे रोका इसलिए नहीं कि ये खुद इतना ऊपर जा रहा है गुनाह करते करते, गुनाह की सारी हदों को पार करते हुए इतना ऊंचा जा रहा है, जितना ऊपर से जितना ऊंचाई से गिरेगा उतनी ज्यादा जोर की चोट लगेगी। ये जो अल्लाह छोड़ देता है ना अपने बंदे को, इन्नमा नुमली लहुम, हम उसको छोड़ देते हैं, उसको मोहलत दे देते हैं, उसको हम तर्क कर देते हैं, अपनी नजर रहमत उससे हटा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, लियज़दादू इस्मन, ताकि वो और गुनाह करे और गुनाह करे और अपने नामे आमाल को सियाह करे, ताकि उसके पास कोई हुज्जत आखिरत में न बच जाए और अजाब उसका यकीनी मुकद्दर बन जाए। यही तो वजह है कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, रब्बे ला तकिलनी तरफता, ला तकिलनी अला नफसी तरफता ऐनन अबदा, मेरे मौला, मैं मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने नफ्स पर, अपने हाल पर एक लहजे के लिए भी न छोड़ना, पलक झपकने के लिए तक की मुद्दत के लिए मुझे अकेला न छोड़ना, ऐ खुदा मुझ पर से अपनी रहमत का साया न हटाना। क्या क्या कहा गया, क्या कहा गया, ये कहा गया रब्बे ला तकिलनी अला नफसी तरफता ऐन नबदा, तरफता ऐन कहते हैं पलक झपकने को, कितनी देर में इंसान पलक झपक के खोल लेता है, बहुत जल्दी, चंद नैनो सेकंड्स का फर्क है बस, इतनी देर के लिए भी परवरदिगार, यानी मिनट मिनट का हिस्सा नहीं है, ये सेकंड का एक दसवां हिस्सा है, उतनी देर के लिए भी परवरदिगार आलम अपनी रहमत की नजर को मुझसे ना हटाना। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, वकाल लजीना अशरकू लव शा अल्लाहुम्मा अबदना मिन दूनी, अगर वो चाहता तो हम जिन बातिल खुदाओं की परस्तिश कर रहे हैं उनको छोड़कर उसी की इबादत करते, ये तो उसने नहीं चाहा ना, तो इसे अब यानी कि चोरी और सीना चोरी, यानी अल्लाह ताला की इबादत नहीं करके अफसोस भी नहीं हो रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये उसी ने हमसे करवाया है, कत्ले हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम करने के बाद अफसोस नहीं हो रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ने नऊज़ु बिल्लाह किया है। ठीक, मिन शैइन वनहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिहि मिन शैइ कज़ालिका फ़अला लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अल अलर रुसुल इल्लल बलागुल मुबीन, हमने रसूलों पर जिम्मेदारी सिवाय इस चीज़ के और कोई नहीं रखी कि जाओ जाके बता दो, ये मेरा मैसेज है लोगों तक पहुँचा दो, ये मेरा पैगाम है लोगों को बता दो, ये सही और गलत रास्ता है लोगों को दिखा दो, उसके बाद करना न करना, सही रास्ते पे चलना न चलना, ये उनकी मर्जी है। ये मर्जी है के माना क्या है, मर्जी है के माना ये है कि इंसान के पास इख्तियार है, जो करता है अपने इख्तियार से करता है, जो छोड़ता है वो अपने इख्तियार से छोड़ता है, अगर अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर आता है तो खुद अपनी मर्जी से आता है, अगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़कर कहीं और जाता है तो अपनी मर्जी से जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है, कहा कि एक आम इंसान के गुनाह करने में, गलत काम करने में, और एक आलिम के, एक इल्म रखने वाले के, एक जानने वाले के, एक समझ बूझ रखने वाले के गुनाह और गलत काम करने में क्या फर्क है, तो क्या फर्क यह है
कि जो आम इंसान गुनाह करता है ना, वो गुनाह को गुनाह समझ के करता है, बाद में उसको अफसोस भी होता है, गुनाह कर लिया, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मगर जो जानता है ना, जो इल्म रखने वाला है, वो उस गलत काम को पहले ठीक बनाता है, पहले वो उसकी कोई तावील निकालता है, वो उसकी कोई तौजीह निकालता है, वो ऐसे झूठ नहीं बोलता है, वो बोलता है मैं तौरिया कर रहा हूं, पहले उस झूठ को तौरिया बनाता है फिर झूठ बोलता है। एक इंसान है, कोई हराम काम करना चाहता है, इल्म रखता है, जानता है गलत करेगा, तो अब क्या करेगा, वो पहले उसको ठीक बनाएगा, सही बनाएगा, उसको जायज बनाएगा, उसके बाद उस काम को अंजाम देगा। ये फर्क है। तो दोहरा गुनाह हो गया ये कि परवरदिगार आलम की बताए हुए रास्ते के अंदर तब्दीली पैदा करना, उसको चेंज कर देना और उसके बाद उस पर अमल करना। इल्लल बलागुल मुबीन, हमने अपने रसूलों पर, अपने पैगंबरों पर, सिवाय इस बात के कि जाके बस हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचा दीजिए, इसके अलावा और हमने उन पर कुछ वाजिब नहीं किया। तो ये तो पैगंबरों पर था, तो जब पैगंबरों पर, पैगंबरों जैसे पैगंबरों पर फकत इतना वाजिब है कि बता दें, बताने का कहा है, करवाने का नहीं कहा है। और कीजिएगा, बड़ा मुहिम जुमला है और ये बड़ा ही अहम मरहला है जिस मरहले से हमारी ये मजलिस और ये तकरीर गुजर रही है। आप दुनिया में देखते हैं कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, डंडा लेके फौरन जाते हैं, खड़े हो जाओ नमाज पढ़ो। अगर उसकी तरबियत कर रहे हैं, इतना छोटा बच्चा है कि उसको डरा धमका के अगर उसको नमाज की लाइन पे ले आएंगे, तरबियत अगर उसकी हो जाएगी, एक और बात है। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा तो डंडा मारना उसको, और उसको कहने तुम काफिर हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ो, ये सब कुछ इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ये जो तरीका है अहले बैत अथार का, आइमा अथार अलैहिस्सलाम का, क्या है तरीका, बता दिया कि देखो नमाज पढ़ोगे तो ये है, नहीं पढ़ोगे तो ये है, पढ़ोगे तो रब राजी है, नहीं पढ़ोगे तो रब नाराज है। हमारी शिफात उसे नहीं मिलेगी कि जो मई यस्तखिफो बिसलाते या मई यस्तखिफा बिसलाते या सलातहू, कि जो अपनी नमाज को खफीफ समझे, जो अपनी नमाज को हल्का समझे, फिर हमारी शिफात उसको नहीं मिलेगी। बहरहाल वो तो करीम है, वो तो फिर आ जाएंगे शिफात के लिए, लेकिन हमने उसे कितनी इंपॉर्टेंस दी ये देखा जाएगा। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये तो शिद्दत पसंदी है, ये नहीं है इस्लाम के अंदर कि अगर कोई शख्स पर्दा नहीं कर रहा तो उसे जाके उसे डंडा लेके मारा जाए कि तुम पर्दा नहीं कर रहे। अगर कोई शख्स बेनमाजी है तो डंडा लेके उसके सर पर खड़ा हो जाया जाए कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो डंडा मारा जाएगा, ये नहीं है। अच्छा, अगर आपने डंडा मार दिया फिर तो उसने अल्लाह के लिए तो नहीं पढ़ी, उसने डंडे के खौफ से पढ़ी, अल्लाह के खौफ से तो अल्लाह की मोहब्बत में तो नहीं पढ़ी उसने। तो दरअसल हम खुद अपने एक्शन से उसकी नमाज की नियत को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो टॉलरेंस का पैगाम है ना, ये इस्लाम ने दिया है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। यानी ये मुझे बताइए कि ये फैसला करने का हक हमें और आपको किसने दिया कि जो इस्लाम की फलां तालीमात पर अमल नहीं कर रहा वो फलां है? ये किसने कहा? ये हक हमें किसने दिया? जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन है? रब्बे ज़ुल जलाल। ये हक हमारे हाथों में कब आया कि हम किसी को जन्नत भेज दें और जिसे चाहे हम जहन्नम में भेज दें? अगर कोई ये कहता है कि एक आंसू के बदले हुसैन इब्ने अली अलैहि सलाम के गम में बहाए जाने वाले एक आंसू के बदले जन्नत मिलेगी, तो यह हक किसे दिया है कि यह कहे कि अरे इतनी छोटी सी चीज पर थोड़ी जन्नत मिलेगी? कि तुझे किसने कहा कि यह छोटी सी चीज है? यह फातिमा जहरा के दिल का अरमान है, ये आंसू के जो हुसैन इब्न अली के गम में किसी के आंखों से निकल रहा है। हम और आप जब किसी का हक, किसी के ऊपर हक रखते हैं कि उसे सजा दें, भाई एक शख्स है मेरे घर पे आया और उसने घर पे आके मेरा कोई सामान चुरा लिया, अब मैं उसे सजा दे सकता हूं, ये मेरा हक है कि मैं उसे सजा दूं। लेकिन अगर मैं करीम हूं, अगर मैं सखी हूं, तो मैं ये कहूंगा कि यार जा, यार तुझे मैंने माफ किया, छोड़ा मैंने तुझे, चला जा, लेकिन देख आइंदा कभी ये ना करना। उसी तरह से परवरदिगार आलम का हक है कि वो हमें सजा दे, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो अपने कर्म के नतीजे में ये कहे कि जा, मेरा हक था, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो गया।
क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये हो सकता है इसलिए कि ये रब्बे सुजलाल करीम परवरदिगार आलम है, अगर वो खुद करना चाहे तो हम और आप होते कौन है किसी के लिए कहने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अपने आप को मासीयत परवरदिगार आलम से बचाना ये जरूरी है, ये दीन इस्लाम है, दीन मुबीन इस्लाम का हिस्सा है। ये इस बात का कहीं से भी मौजिब नहीं है कि चूंकि अकीदा शिफात है लिहाजा गुनाह पे गुनाह किए जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। मगर जो हक परवरदिगार आलम ने अपने औलिया को, अपने वली बंदों को अता कर रखा है, उसका भी तो इनकार ना करो। मैं एक शख्स आया, आने के बाद मैंने घर में दो दरवाजे थे, उससे कहा कि भाई देखिए दोनों दरवाजों की मरम्मत करनी है। दो अलग अलग मजदूर आए, एक को मैंने एक दरवाजे का कह दिया, दूसरे को दूसरे दरवाजे का कह दिया, दोनों को मैंने कहा 1000-1000 रुपए दूंगा। अब जब दोनों ने मेरे दरवाजे वो दोनों मरम्मत कर दिए तो दोनों के हाथों में मैंने एक के हाथ में 1000 रुपए दिए, एक के हाथ में 1200 रुपए दिए। एक के हाथ में 1000 रुपए रखे, दूसरे के हाथ में 1200 रुपए रखे। अब सवाल होगा या नहीं होगा? सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल कब होगा? अगर मैं एक को 1000 दूं, एक को 800 दूं तो सवाल होगा। अगर मैं खुश होकर किसी को अपनी तरफ से ज्यादा दे दूं तो इसमें सवाल नहीं होगा। इनमें से अगर किसी को कम दिया है तो यह कहा जाएगा अदल नहीं किया, और अगर किसी को खुश होकर 200 रुपए ज्यादा दिए तो कहा जाएगा फजल किया। अदल न करो तो सवाल हो सकता है, फजल करोगे तो कोई सवाल नहीं है। परवरदिगार आलम अपने बंदों पे अपने हुसैन इब्ने अली की इतनी बड़ी कुर्बानी को देख के फजल करता है, करम करता है। जो जो अल्लाह का बंदा हुसैन के गम से जुड़कर उसकी मुसीबत में आंसू बहाता है वो खुदा को इतना प्यारा हो जाता है। खुदा कहता है जाइए जन्नत मैंने हुसैन के लिए बनाई थी, अब जो हुसैन पर रोएगा उसे भी दे दूंगा। यार उसे भी दे दूंगा तो हमें बुरा क्यों लग रहा? अच्छा बहुत इतनी सस्ती बेच दी अल्लाह ने अपनी जन्नत, तो चले ठीक है बता दें कि कितनी क्या कीमत होनी चाहिए जन्नत की। 60 साल की नमाजें, 60 साल की तो नमाजें होती भी नहीं है, 15 साल वैसे ही माइनस कर दें, 45 साल की नमाजें, 45 साल की नमाजें, 45 साल, हर साल में 365 दिन, 365 दिन में 5 वक्त की नमाज, 17 रकत नमाज, 17 × 365 × 45। अब आप रकतें जब आपके पास आ जाएंगी तो इतनी रकत नमाज, 30 रोजे, 30 × 45 उतने रोजे आ गए, हज साल जिंदगी में एक मरतबा, जकात खुम्स ये जितना कुछ था ये सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए तो कितना बना भाई? ये जो सारी इकट्ठा करके कीमत बन रही है ये कीमत भी कोई बड़ी कीमत नहीं है, ये भी छोटी सी कीमत है भैया उस जन्नत के सामने के जो 45 साल फकत इबादत करके जन्नत 45 साल की मिल रही है क्या? खालिदीना फीहा हुम फीहा खालिदून, कयामत से कयामत, तो क्या कयामत तो हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहने वाले हैं। तो ये तो अल्लाह ने बहुत छोटी कीमत रखी भैया, अगर तुम इसको छोटी कीमत कहोगे तो फिर ये कीमत भी कोई ज्यादा तो नहीं बन रही। 45 साल के अवस परवरदिगार हमेशा के लिए जन्नत दे रहा है। तो अब ये क्वांटिटी का मामला नहीं है, क्वालिटी का मामला है। किसी की सालों की नमाजें पीछे रह जाती है और किसी का परवरदिगार आलम की याद में निकला हुआ एक आंसू बहुत आगे निकल जाता है। जब अल्लाह की याद में निकला हुआ आंसू इबादतों को आगे क्रॉस करके आगे निकल सकता है तो ये तो हुसैन इब्ने अली के गम में निकला हुआ आंसू है कि जो हुसैन अल्लाह से ऐसे जुड़ा हुआ है, कह रहा है तरक्तुल खल्का तुर्रन लिहवा का वह आयतमतुल आयाली लिकाय अरा का, मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है अल्लाह तुझसे मिलने के लिए, अपनी औलाद को यतीम करवाया ताकि मैं तुझसे मुलाकात कर सकूं, मैंने अपना सब कुछ तुझ पे कुर्बान किया। तो जो अल्लाह जब खल करता है ना दुनिया को तो कहता है इन्नी मा खलक तो समा मबनिया इल्ला फी मोहब्बत हा उला इल खमसतिल लजीना हम दातल के साथ, ये कयामत ये जो दुनिया खल्क हुई है वो भी मोहब्बत अहले बैत में खल्क हुई है। और ये जो परवरदिगार आलम
अपने हुसैन की मोहब्बत में देता है। तो ये जरा सोचिए तो सही कि इज़ा अरादा अल्लाह बि अब्दिन खैरा कज़फ़ा फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से नेकी का इरादा करता है उसके दिल में अपने हुसैन की मोहब्बत को बसा लेता है। ये कोई छोटा मरहला है? तो अब ये छोटा मरहला नहीं है तो फिर आप जो इसको इतना छोटा बनाने पर तुले हुए हैं क्या वजह है? मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये आवाज़ें पहले मुखालिफ सफ़ों से आती थी, अब ये आवाज़ हमारी अपनी सफ़ों में से आ रही हैं। तो बस अपनी कान अपने कानों को खुला रखें, अपनी आंखों को खुला रखें, अपना दिमाग को खुला रखें। जो तालीमात हमें हमारे बुजुर्गों ने दी हैं उन्हें थाम के रखें, उन्हें पकड़ कर रखें। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का दामन जिसके हाथों में रहा वो नजात याफ्ता रहेगा। जिसने अहले बैत अतहार का दामन चाहे पाक तरीन चीज के नाम पर छोड़ दिया, अगर उसने अहले बैत का दामन, तो वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचाने वाली जो रस्सियां हैं वो हैं तो यही। जो दरवाजा अल्लाह की बारगाह में खुलता है वो दरवाजा अहले बैत का तो दरवाजा है। और परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इनके लिए यही तो कहता है, फी बुयूत नज़न अल्लाहु अद्दुरफा व युस्करा फी हस्मो, अल्लाह ने जमीन पर कुछ ऐसे बैत रखे हैं, कुछ ऐसे बैत रखे हैं, बुयूत कुछ ऐसे घर रखे हैं कि जिसमें उसने पसंद किया है कि उसका जिक्र बरपा किया जाए, उसने पसंद किया है कि उन घरों में उसे पुकारा जाए, याद किया जाए। तो अब जमीन पे ऐसे घर के जिन घरों के अंदर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता रहता है और अल्लाह ने चाहा है कि अपना जिक्र परवरदिगार आलम का जिक्र उस घर में जाकर किया जाए, तो अब बैत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अहले बैत अतहार के दर पर आ जाओ, वो दर तुम्हें खुद मिल जाएगा। फी बुयूत, कौन से वो बुयूत है, कौन सा बैत है? वो बैत है कि जो अहले बैत का घर है। फिर इस दर पर आके रसूल सलाम अर्ज किया करते थे, मजीद क्या फरमाए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और हमने मबऊस किया हर उम्मत में एक रसूल को, हमने मबऊस किया हर उम्मत में एक रसूल, उसे मबऊस क्यों किया? ताकि अल्लाह की इबादत करो, ये बताएं, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की परस्तिश ना करो, उससे इज्तनाब करो। तागूत के माना क्या है? शैतान। तागूत के माना क्या है? हर वो शय कि जो अल्लाह से मुनहरिफ कर दे, हर वो शय कि जो अल्लाह से मुनहरिफ कर दे उसे तागूत कहते हैं, यानी तुगयान करवाने वाली शय, इंसान को अल्लाह से दूर कर देने वाली शय, अल्लाह को बुला देने वाली शय। वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन मिनहुम, रसूलन मिनहुम नहीं है, फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, और यकीनन यकीनन हमने, लाम ताकीद, कद ताकीद जब फेल माजी में दाखिल हो, वलकद बअसना, यकीनन यकीनन हमने मबऊस किया हर उम्मत में एक रसूल को। रिवायत है मजमूल बयान की, सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम, मौला इरशाद फरमाते हैं कि जब भी परवरदिगार आलम ने किसी को नबूवत अता की, अपने किसी बंदे को नबूवत अता की है, तो उससे पहले उसका इम्तिहान लिया है। और वो इम्तिहान किस चीज पर था? परवरदिगार आलम ने जब भी किसी को नबी बनाया है उसका एक चीज पे इम्तिहान लिया है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी का इम्तिहान परवरदिगार आलम ने मनसब नबूवत देने से पहले, अला विलायतना अहलिल बैत, हम अहले बैत की विलायत और मोहब्बत और इमामत को पहले हर नबी के सामने पेश किया गया, जिसने कबूल की है उसे अल्लाह ने नबूवत का मनसब अता किया। ठीक है, अब ये नबूवत का मनसब ऐसा पाक मनसब है कि जिसे अल्लाह उसे अता करता है कि जिसके दिल में अहले बैत की मवद्दत को देख लेता है। ठीक है, मगर एक रिवायत और है कि अल्लाह ने अपने हर नबी को दो मेयारों पे जांचा, एक विलायत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के जरिए से परखा और उनके दिलों में मोहब्बत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा, अगर पाया तो अदा कर दी नबूवत। दुरूद भेजे सारे मिलकर मोहम्मद, तो ये सवाल हो सकता है कि मौलाना अब ये तो
वो हस्तियां हैं कि जो सारे अंबिया के गुजरने के बाद आखिरी नबी के तशरीफ लाने के भी कुछ अरसे के बाद इनकी इस दुनिया के अंदर विलादत हुई है, आमद हुई है। तो आलम अनवार के अंदर ये हस्तियां जब अल्लाह की तस्बीह करती थीं तो इनसे सीखते थे अंबिया के अनवार तस्बीह करना, इनसे सीखते थे मलाइका तस्बीह करना। लिहाजा ये पहले से जानते हैं इन हस्तियों को कि जो नूर के पैकर हैं। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसके बाद एक आयत कि वा अक्समू बिल्लाहि जहदा अयमानहिम लयबअथुल्लाहु मन यमूतु बला वादन अलैहि हक्कन वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून। सूरह नहल की आयत नंबर 38, 38 नंबर की आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग कसम खाते हैं अल्लाह की, अल्लाह के नाम की कसम खाकर क्या कहते हैं कि भाई ये जो मर गए ना, इनको कोई दोबारा उठाए जाने वाला नहीं है। यानी अल हयात व बादल मौत का जो अकीदा है कुछ लोगों का इसके अंदर, इस आयत नंबर 38 के अंदर सूरह नहल की, सूरह मुबारक है नहल, आयत नंबर 38 के अंदर ये कहा जा रहा है वह अक्समू बिल्लाह जहदा ईमानहिम कि कुछ लोग कुफर करते हुए अल्लाह के नाम की कसम खाते, अल्लाह के नाम से कसम खाते हुए ये कहते हैं कि ये जो मर गए ना, इनको कोई नहीं दोबारा उठाया जाने वाला। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जितने अकीदे थे, तौहीद का अकीदा, नबूवत का अकीदा, रिसालत का अकीदा, अदालत का अकीदा, इमामत का अकीदा, ये सारे फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को हजम हो गए, लोगों ने कबूल कर लिए। जो एक अकीदा था कि जो मक्का के कुफार ने कबूल नहीं किया कभी भी, वो अकीदा मौत का अकीदा था। और हयात बादल मौत कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा किया जाना। और इसीलिए शैबा है, उतबा है, अबुल बख्तरी है, ये लोग हैं मक्का के अंदर मस्जिद हराम के साथ खड़े रहते और रसूल के आने का इंतज़ार कर रहे, और एक बोशीदा हड्डी कहीं से लेकर आए, मकबरा तो शुबैका से लेकर आए, नहीं मालूम कहाँ से लेकर आए। वो जब लेकर आए तो रसूल के सामने उसको पाउडर बनाते हुए, सुफू बनाते, एक खोखली हड्डी है कि जो मुर्दा हो चुका है, कोई मैयत है, उसकी कोई हड्डी लेकर आए और उसको अपने हाथ से उसका सुफूफ बना के ज़मीन पर गिराते हुए पूछते हैं कुल मई होइए योहियल इज़ाम वही रमीन, बताइए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कौन होगा कि जो इस हड्डी को जिंदा करे जब ये मट्टी की तरह से सुफूफ और पाउडर बन जाएगी। तो अल्लाह का जवाब आया कुल, मेरे हबीब कह दीजिए योही हल्लजी अनशाहा अव्वल मर्रा, ए हबीब कह दीजिए इस सुफूफ वाली पाउडर वाली मट्टी को वही अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा कि जिसने इसे उस वक्त खल किया था कि जब यह पाउडर भी नहीं था। जब यह सुफूफ भी नहीं था ना, तब भी कौन था जिसने इसे खल किया? वही अल्लाह है। अभी देखो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था और अल्लाह ने खल कर दिया, अब तो कुछ है तो दोबारा से इसके अंदर जान डालने में क्या मुश्किल है। अब एक शख्स आया और आने के बाद छठे इमाम अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि ये जो जिक्र होता है कि ये कौन लोग हैं कि जिनके बारे में ये आयत कह रही है कि कसम खाते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम से जब सवाल हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पलट के फिर से पूछा, उसी शख्स से पूछा कि तू बता तुझे क्या लगता है कि ये कौन लोग होंगे जो ये कहेंगे। तो उसने कहा कि मौला कुफार, ऐसा लगता है कि कुफार होंगे। गालिबन मौला रजा अलैहिस्सलाम की हदीस है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पलट कर पूछा, देखो अगर ऐसा ही है या अगर ऐसा ही होता कि ये कुफार होते कि जो कसम खाते, तो वो कुफार अल्लाह के नाम की कसम क्यों खाते? अपने लात व मनात व उज्जा की कसम क्यों ना खाते? अपने बुतों की कसम क्यों ना खाते? ना इला उनकी कसम क्यों ना खाते? भैया इन्होंने तो कसम खाई अल्लाह की, तो फिर पूछने का मौला आप बताइए, मैं आप पे कुर्बान। मौला ने इरशाद फरमाया ये आयत रजअत के दौर की आयत है, जब रजअत का दौर होगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम व जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, जब मौला का ज़ुहूर पुरनूर हो जाएगा और उसके बाद जब मौला तशरीफ लाएंगे तो फिर एक एक करके लोगों को अपनी कब्रों से उठाया जाएगा और उन्हें मबऊस किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। और अहले बैत अथार के चाहने वाले और मौला के आशिकों और मद्दाहों और मवालियों के दरमियान
ये खुशी की लहर दौड़ उठेगी कि मौला तशरीफ ले आए, देखो फलां बुजुर्ग जिंदा हो गए, देखो फलां को दोबारा जिंदा कर दिया, देखो फलां अपनी कब्र से उठ के दोबारा आ गए, रजअत का दौर। तो जैसे ही मौला के चाहने वाले खुश होने लगेंगे तो जो मौला से नफरत करने वाले हैं ना वो लोग तिल मिलाने लगेंगे। और ये जुमला उनकी जबान से निकलेगा जो कहीं ना कहीं मौला के जानने वालों में होंगे, मौला के नाम ले वाले लोगों में होंगे, लेकिन चूंकि मौला के दुश्मन होंगे तो वो मौला के चाहने वालों से दुश्मनी रखने की वजह से ये कहेंगे खुदा की कसम ये तो हो ही नहीं सकता जो तुम कह रहे हो कि फुला जिंदा हो गए और फुला जिंदा हो गए, खुदा की कसम ये नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा की कसम ये तो हो ही नहीं सकता। ये वो लोग कहेंगे कि जो दुश्मनान अहले बैत होंगे रिजअत के ज़माने में, जब दोबारा से आका का साथ देने के लिए परवरदिगार आलम मुर्दों को जिंदा करेगा और उनको रजअत नसीब होगी इस दुनिया के अंदर जब वो आएंगे, तो ये लोग आका से दुश्मनी की बिना पे ये सारी बातें करने लगेंगे। ये एक आयत है ला यबअसल्लाहु मन यमूत, और उसके बाद फिर ये आयत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नकूल लहू कुन फयकून। भाई हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, रब जुलजलाल ये कहता है कि तुम यकीन क्यों नहीं करते, हमारे लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिस अमर के करने का हम इरादा कर लें और कह दें कुन वो काम हो जाता है। तुम ये सोचो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकते हैं नहीं कर सकते, लोग जिंदा होंगे नहीं होंगे, मुझे कंफ्यूजन है, अकीदा रजत है नहीं है, भाई ज़ारत आले यासीन में पढ़ते हैं या नहीं है, अशहदु अन्ना रजअतकुम हक्कुन ला रैबा फीहा, कि मैं इस बात पे गवाही देता हूं कि अकीदा रजअत हक है और इसके अंदर कोई रैब कोई कजी नहीं है। सही है, तो परवरदिगार आलम लोगों को यकीन दिला रहे इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु लहू फयकून, हमारे लिए बस किसी भी चीज का इरादा करना ही काफी है, बस हम किसी शय का बस इरादा कर लिया करते हैं वो शय हो जाती है। ये जो कुन है ना कुन, ये कुन इसलिए है कि ये ज़ीक ताबीर है, समझाने के लिए ये ताबीर कि परवरदिगार आलम कुन कह के किसी शय को वजूद में लेकर आता है, वरना परवरदिगार आलम की कुदरत कामिला कुन कहने की भी मोहताज नहीं है, इसलिए कि कुन कहने में भी बड़ी देर लगती है, बस अल्लाह का इरादा ही काफी है, अल्लाह का इरादा ही उसका कुन है। जब अल्लाह का इरादा ही उसका कुन है तो फिर कुन कहने की क्या जरूरत है। भाई जब अल्लाह का इरादा ही कुन है तो फिर कह दो इजा अरदना हो फयकून, इजा अरदना हो फयकून अन नकूल लहू कुन, ये कहने की जरूरत तो नहीं थी फिर कि जब हम किसी शय का इरादा करते हैं ना तो हम कुन कहते हैं तो हो जाती है। तो हमने तो अभी आपकी खिदमत में और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये रिवायत से रोशनी, रिवायत की रोशनी में कह रहा हूं कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कुन के माना क्या है, परवरदिगार आलम ने जो कुन कहता है इसके माना क्या है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन उसी के इरादे का नाम कुन है, तो फिर दरमियान में कुन क्यों रखा। इसके माना यह हुए कि जमीन पर कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जिनका कोई काम कर देना परवरदिगार आलम के इरादे के बराबर होता है। इरादा रब क्या है, इरादा रब अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की सूरत में इरादा रब का मजहर आइमा अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम, अल्लाह के इरादे का मजहर ये हस्तियां हैं। क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कि जब हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा से क्या कहा है, इन्नमा अना रसूल रब्बी की ली आहाबा लकी गुलामन ज़किया, मैं अल्लाह की जानिब से सिर्फ और सिर्फ पैगाम लेके आया हूं, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आया हूं। अल्लाह का हुक्म क्या है कि मैं आपको ले आहाबा लकी गुलामन ज़किया, एक बेटा मैं आपको हदिया करूं अल्लाह की जानिब से। सवाल यह है कि बेटा हदिया अल्लाह ने किया है कि जिब्रील ने किया है, बीबी मरियम को बेटा किसने दिया है, अल्लाह ने दिया है कि जिब्रील ने दिया है, अल्लाह ने दिया है लेकिन जिब्रील के जरिए से दिया है, तो जिब्रील यह कहने का मुझे बन गया कि मैंने बेटा दिया, मैं बेटा देने आया हूं,
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अल्लाह ताला जमीन पर अपने कुछ ऐसे बंदे रखता है जिनसे अपनी मर्जी के काम लेता है, जैसे कि हजरत जिब्रील अमीन, उसी तरह से जिब्रील से अफजल भी कुछ ऐसी हस्तियां हैं जमीन पर, अल्लाह उनसे अपनी मर्जी के काम भी लेता है। बल्कि जिब्रील से अफजल होने की दलील उनकी यह है कि जो काम वो कर लेते हैं अल्लाह कहता है ये इन्होंने नहीं मैंने किया है। मारमैता इज रमैता वला किन अल्लाह रमा, ए रसूल ये जो पत्थर फेंका है ये आपने नहीं हमने फेंका है, ये तीर आपने नहीं हमने चलाया है। ठीक है, तो अन नकूल लहू कुन फयकून, अब देख लिया आपने अल्लाह का इरादा कितना स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह का इरादा यही अल्लाह का इरादा है, यही अल्लाह का इरादा है कि जिस इरादे के तहत अल्लाह ने जमीन और आसमानों को खल्क कर दिया, ये हवाएं अल्लाह ने अपने इरादे के तहत चलाई, ये हवाएं अल्लाह ने अपने इरादा करके चलाई, अल्लाह ने जमीन को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने आसमान को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने सूरज को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने चांद को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने इंसानों को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने हैवानों को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने जिन्नात को अपने इरादे से खल किया, अल्लाह ने अपने मलाइका को अपने इरादे से खल किया। और ये सारे इरादे करने के बाद सबसे बड़ा इरादा कुरान करीम के अंदर आयत तथीर में ऐसे महफूज कर दिया, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह इरादा करता है कि ऐ अहले बैत आपको ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। यह अल्लाह का इरादा, यह सब अल्लाह का इरादा, यह सब अल्लाह का इरादा है। परवरदिगार आलम ने इरादा किया कि जमीन खल करे कर दी, अल्लाह ने इरादा किया इंसानों को खल करे कर दिया, अब अल्लाह ने इरादा किया है लियुज़हिबा अनकुमुर रिज़्ज़ा, अहले बैत बुराई को आपसे दूर रखने का इरादा अल्लाह ने किया है। क्या अहले बैत अथार आप तो कभी बुराई के करीब नहीं आएंगे मगर बुराई आपके करीब आ सकती है, तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिज्सा, अल्लाह ने इरादा कर लिया कि रिज्स है ना, रिज्स बुराई नजासत दनस नजस ये सब आपसे दूर रखे। अब क्या है रिज्स, आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी ये आलल्लाहु मकामहु उन्होंने अपनी एक तकरीर के अंदर ये इरशाद फरमाया और ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारी लुगतें देखी और कहते हैं कि कोई ऐसी लुगत नहीं है दुनिया की कि जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद ना हो, और जब कामूस उठाई, लिसानुल अरब उठाई, अल ऐन उठाई, मजमूल बहरैन उठाई, हर फरहंग वाले ने हर लुगत वाले ने अपनी अपनी डिक्शनरी में नजिस का रिजिस का अपना अलग माना लिखा है, लेकिन वो सारी बातें इतनी तफसीली हैं और इतनी मुश्किल बहसी कि उसमें जाने के बजाय मैंने ये सोचा, ख्याल गया अल्लामा साहब कह रहे कि ख्याल मेरे जहन में आया कि इतनी मुश्किल बहसों में जाने से बेहतर ये नहीं है कि खुद आयत कुरान में ही देख लो उसमें जवाब मौजूद है, आयत ही में अल्लाह ने रिज्स क्या होता है उसका जवाब रख दिया है। लिहाजा कहते हैं कि मैंने सारी के सारी डिक्शनरियों को बंद करके एक तरफ रखा और पढ़ी दोबारा से आयत, ऐ अहले बैत मैंने इरादा किया है कि रिज्स को आपसे दूर रखूंगा, यानी कि अब कयामत तक रिज्स इनसे दूर हो गया, अब रिज्स क्या है तलाश करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो कौन अहले बैत से कितना दूर है, जो जितना दूर होगा उतना बड़ा रिज्स होगा। दुरूद पढ़वानी पड़ेगी, आप खुद पढ़ लेंगे, इधर तो एक नारा हैदरी होना चाहिए था कम से कम, और इस नारा हैदरी और इस दुरूद का सवाब अल्लामा तालिब जौहरी की रूह को इसाल करेंगे। और इज़ा अरदना हुआ नकूल लहू कुन फयकून, बस बात को हमने यहां पर रोक दिया। ये वो हस्तियां हैं कि जिस तरह से परवरदिगार आलम कुन कह के चीजों को बजा लाता है ना, उस तरह से अगर अहले बैत अथार चाहते इशारा कर देते पानी नमूदार हो जाता। मुझे ये बताइए, जब प्यास की शिद्दत के मारे हजरत इस्माईल
शीर खारगी के आलम में अपनी हेड़ियां रगड़ते हैं जब, और पानी बरामद हो जाता है जमजम जैसा कुआं, तो जमजम से ज्यादा बेहतर कुआं हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के असगर के एक अंगूठे की ठोकर का मोहताज था बस। मगर नहीं, ये उनकी इम्तिहान की घड़ी थी, ये उनकी मुसीबत की घड़ी थी। अजीजो, आका अब्बास खेमों से रुखसत हुए और मश्क सकीना को लेकर चले हैं फुरात के किनारे। नन्नी बच्ची अपने हाथों में सूखा कूजा लिए नन्ने नन्ने बच्चों को अपने गिर जमा करती है और कहती है, बच्चों आओ, देखो वो मेरे चचा का अलम जा रहा है, देखो मेरा चचा पानी लेने के लिए फुरात जा रहा है, अभी देखना वो अलम वापस आएगा, मेरे चचा वापस आएंगे, पानी की सबील करवाएंगे, पहले मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगी बच्चों, आखिर में सकीना सैराब होगी। बड़ी करीमा है ये, 4 साल यतीमा है हुसैन, मगर क्या देखा कि चचा का आलम आते आते एक मर्तबा लड़खड़ाया, झुका, फिर से बुलंद हुआ, सकीना की सांसों में सांसें वापस आई, मगर एक मर्तबा झुका हुआ आलम जब दोबारा से न उठा, और इस बच्ची ने नन्ना कूजा जमीन पर फेंके, छोटे छोटे हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया, कबारेला सकीना को पानी नहीं चाहिए, मेरा चचा वापस पलटा। एक शख्स था जायर हुसैन, करबला पहुंचा, बाबुल हुसैन जायर ज़ियारत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए गया, जरी को पकड़ कर कहता है, मौला तेरा गुलाम तेरी ज़ियारत के लिए आ गया, आका तुझसे इश्क करने वाला तेरा आशिक तेरी जरी के साथ बस होके खड़ा हो गया, मौला अगर आपने मेरा आना कबूल किया है तो कोई ऐसा इशारा दे दे, कोई ऐसा तोहफा इनायत करें कि मुझे यकीन हो जाए मेरा सलाम आपकी बारगाह में पहुंच गया। ये कहना था एक मर्तबा खादिम ने शाने पे हाथ रखा, कानों के करीब आकर कहता है, क्या अब्बास की सरदाब में जो कच्ची कब्र है उस पर ज़ियारत करना चाहोगे? कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर जाना चाहूंगा, मगर एक लहजा सबर कर जाओ। पलट कर फिर से जरी का रुख किया, लिपट लिपट के रोके, कहने लगा, मौला आपका शुक्रिया, आपने मेरा आना कबूल किया। और एक मर्तबा चला, खादिम उसे सरदाब में ले गए जहां पर टखनों तक पानी आ रहा था, जैसे ही ये पानी के करीब पहुंचा एक मर्तबा अपने पहलू से एक मशकीजे को निकाला, अरे जैसे ही मशकीजा निकाला है उस मशकीजे में पानी को भरा, जैसे ही पानी भर लिया बाहर आया, अब यहां से करबला से उसने अपने वतन वापसी का सफर इख्तियार नहीं किया, बल्कि वहां से चला छोटी बीबी की कब्र शाम की जानिब। जैसे ही कब्र सकीना पे पहुंचा, अब वहां जाके उस छोटे मशकीजे को निकाला जिसका पानी कब्र अब्बास से भरा था, अरे मश्क खोला, कब्र सकीना पे पानी गिराने लगा, कहता है, बीबी पानी आ गया, चचा ने करबला الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد نيم قلب ينقلب بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگار فرش عزا پر آنے والے جتنے بھی مومنین مومنات ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات مشکلات میں گرفتار ہیں پروردگار سب کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار رزق و روزگار کی متلاشی مومنین مومنات کو حلال و طیب رزق و روزگار نصیب فرما۔ اتنا عنایت فرما کہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہے، اے خدا سوائے اپنے سوائے اہل بیت کے اور کسی کا محتاج نہ بنا، ان ہاتھوں کو کسی کے آگے کبھی نہ پھیلا۔ پروردگار جتنے مریض و احوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد مومنین مومنات اولاد کے متمنی ہیں، نیک و صالح اولاد اور ذریت صالحہ نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
मौला के आवान व अंसार में हमारा शुमार फरमा। आका की सदक़े में हमारे मरहूमीन के कब्रों पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अपने घरों के माहौल को इमाम की तालीमात के मुताबिक ढालने की तौफीक इनायत फरमा। रब बनाओ तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिजाह मुहम्मद व आलि तय्यिबीन अत्तहिरीन।